Hello guys, welcome back to this discussion on guided path, and we are going to cover polity, and the video is going to be a one shot video only. ठीक है, one shot में हम try करेंगे cover करने का. As you all know that polity is going to be a, you know, very tough nut to understand basically. Not crack, crack कर सकते हैं बहुत से लोग if you have a, you know, good teacher or good mentor, I will say. पढ़ना itself खुद ही है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में आ जाएँ, जिसके थ्रू आ जाए वो अच्छा बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे टीचर रहे हैं पॉलिटी के इटसेल्फ, किसी ने मुझे कुछ सिखाया, किसी ने मुझे कुछ सिखाया, बट अल्टीमेटली मुझ सारी चीज़ें मैं आपको देना चाहूँगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ वन शॉर्ट वीडियो इज फॉर हुम, दिस इज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली, एंड दिस इंक्लूड्स CAPF ऑफ UPSC जो कि अगस्त में होता है, CDS अभी होने वाला है 21 अप्रैल को, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा CDS वालों के लिए, पहले ही बता दूं मैं. FCAT के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल टफर साइड. हम बात करें तो ये जो वीडियो होगी है बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो FCAT के काम की नहीं है, बिकॉज FCAT इज़ जनरली आस्क वन टाइप क्वेश्चन. ठीक है, मतलब एक चार ऑप्शन वाले होते हैं सिंपल वन वर्ड टाइप. ठीक है, तो उसके लिए हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये. अगर सिर्फ किसी को FCAT की करनी है तो ये वीडियो मत देखना, CDS की करनी है तो देख लेना, नो इशूज़. ठीक है, NDA वाले भी देख सकते हैं. ठीक है, SSC वाले भी देख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भी देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हर कोई देख सकता है इसे, अगर जिसको भी नॉलेज हो, मतलब नॉलेज चाहिए थोड़ी बहुत अच्छी खासी. ठीक है, एंड यू नो कंप्लीट पॉलिटी होगी. हम बात करें तो पार्ट वन है ये, मे बी पार्ट वन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, बट आई नो दैट पॉलिटी इज़ अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट. स्टैटिक प्लस करंट अफेयर ट्राई करूँगा अपने आप से जो ऐड कर पाऊँ करंट अफेयर्स. ठीक है, जो अभी चल रहा है रिसेंट पॉलिटिक्स में, ट्राई करूँगा कि हो जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि हो जाएगी हर चीज़ एक चीज़ में, बट आई विल ट्राई कि 6-7 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर मैं कर पाऊँ. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई नीड टू से बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, एंड इफ आई गेट यू नो अ गुड सपोर्ट, मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पे भी बनाऊंगा वीडियो वन शॉट इफ आई गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम यू ओनली. ठीक है, शेयर करो जितना कर सकते हो, अदरवाइज लेट्स होप कि आप आगे देखो, आगे डिसाइड करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से कि लेट्स मूव टू द डिस्कशन. नाउ एज यू ऑल कैन सी हेयर दैट दिस यू नो इज मनोज जिंदलाइज पॉलिटी नोट्स. क्यों लिए हैं मैंने ऐसे, बिकॉज आई फाउंड देम वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, ये बहुत पुराने नोट्स हैं, बट मैंने इससे पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं इस नोट्स से, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, बट हर कोई नहीं समझ सकता इन नोट्स को क्योंकि इनकी एक क्रोनोलॉजी है जो कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ इन सबको, सो दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ आपको दिखा दी. मैं यहाँ काट भी सकता था ये चीज़, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, बट नो आई डोंट वॉन्ट टू टेक क्रेडिट. सिंपल सी चीज़ें मुझे समझाना है आपको, नोट्स ये मेरे को बहुत अच्छे मिले, मेरे खुद के भी नोट्स हैं, बट मुझे लगता है कि ये नोट्स बहुत सही है. यहाँ पे हम बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू किया है सर ने. ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो शुरू करने का बहुत सारे कारण होते हैं, अगर हम देखेंगे ट्रेडिशनल बुक्स तो वो शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, दैट डजेंट गिव यू सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर जाएंगे जुडिशरी पे, देन वी विल स्विच टू फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पॉलिटी इटसेल्फ. ठीक है, नाउ टू थ्री थिंग्स वी विल यू नो आई विल टेल यू फ्रॉम बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज हर एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है CDS FCAT में SSC में, बट CAPF में भी बन सकता है. ठीक है, हर किसी एक पॉइंट में क्वेश्चन छिपा हुआ है, इफ़ यू कैन यू नो फाइंड इट यू कैन फाइंड इट. ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. फॉर एग्जांपल पहले ट्रिक मैं अभी रिवील कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट अस से वन थिंग यू नो दैट 111 दिस आर्टिकल रिलेट्स विद वॉट, बताओ फटाफट बताओ जिसको पता है, फटाफट दिस रिलेट्स विद वीटो पावर्स. ठीक है, या फिर हम बात करें पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो भी बिल के साथ वो कर सकते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट 111. अब इसमें हम 89 ऐड कर देंगे, प्लस 89 ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 200, विच इज़ द सेम आर्टिकल फॉर गवर्नर. सो दिस इज़ फॉर प्रेसिडेंट, दिस इज़ फॉर गवर्नर, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. कि अगर हमें सेंटर का कोई आर्टिकल पता है तो हम स्टेट का निकाल सकते हैं बाय एडिंग ओनली 89. फर्स्ट चीज़ ये थी जो मुझे बतानी थी. सेकंड चीज़ मुझे अब ये बतानी है आपको कि अगर आपने क्लास 11th की NCERT नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी समझने में. द रीज़न इज़ मैं स्टार्टिंग से हर चीज़ नहीं करा सकता, बिकॉज दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप क्लास 11th की जो पॉलिटी है वो देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी है क्लास 11th पॉलिटी, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट बाय गाइडेड पाथ तो आपको मिल जाएगी वो भी, बट वो 2 साल पुरानी वीडियो है. बट हाँ भाई, NCERT चेंज नहीं होती है. ठीक है, वो चीज़ वही है, अंडरस्टैंड मैं ही समझा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगी.
ठीक है, देख लेना उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, स्किप करूंगा। फॉर एग्जांपल क्या क्या स्किप करूंगा मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो क्या मैं ये पढ़ाने बैठूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ये 6 घंटे की वीडियो 12 घंटे की हो जाएगी, देर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और एक और चीज़, दो चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ ये, प्लीज़ वॉच मी एट 1.25x और 1.50x, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको थोड़ी और लंबी लगेगी। जल्दी देख लो कि सुनना ही तो आपको, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको अल्टीमेटली उन्हीं के चैनल से नोट्स मिलेंगे, बट आई विल मेक योर वर्क ईजी बाय पुटिंग दिस लिंक ऑन माई इन माई डिस्क्रिप्शन, सो यू विल गेट इट वेरी ईजिली। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट विद द पॉलिटी। ओके, सो लेट स्टार्ट विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर्स, और ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि कितने मेंबर्स होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थिंग, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल 52, बहुत सारे आर्टिकल में बोला गया, बट जो पहला आर्टिकल 52 है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, दे शैल बी अ प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 52 ये कहता है हमारा। ठीक है भाई, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्शंस, इलेक्शंस से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, 64, 65। ठीक है, मैं आर्टिकल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स का लिखा नहीं है, बिकॉज यूपीएससी सीएससी में आर्टिकल्स का कोई मेंशन नहीं होता, बट यहाँ पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 64, 65 टॉक्स अबाउट द इलेक्शंस। ठीक है, 64 टॉक्स अबाउट द कलेजियम, कि कलेजियम क्या होता है, कलेजियम समझते हो कि कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करता है, तो बता देता हूँ मैं यहाँ पे, आर्टिकल 64 में बताता है इलेक्टोरल कलेजियम, जिसमें कि हम बात करें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर लिखने का मतलब ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ से बाहर चले गए, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, और हम बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, असेंबलीज की बात की है मैंने सिर्फ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल्स की बात नहीं की गई है, तो नॉट काउंसिल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, काउंसिल के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड में बात करूँ तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज, यूटीज, यूटीज की हम बात करें, जिसके पास भी हम बात करें तो लेजिस्लेचर है, उनके मेंबर्स ओनली, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। ठीक है, तो कौन कौन सी यूटीज के पास हमारे लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द न्यू एडिशन, अभी तक उसका हम बात करें तो कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए वहाँ पे, बट हाँ सून टू बी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको दो तीन चीज़ें यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लेजिस्लेचर के मेंबर जो हैं पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, बिकॉज द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है हमारी प्रेसिडेंट, बट जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर तब तक नहीं बना था, तो पहला पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको तुरंत सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, 64 इज क्लियर, 65 यहाँ से क्लियर हो गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हमारा जो है मैनर ऑफ इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है कि कौन से मेथड से होता है, सेकंड क्वेश्चन इलेक्टोरल कॉलेजियम में कौन कौन होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट काउंसिल्स, काउंसिल्स के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं सिर्फ। ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी सिर्फ लिखा है यहाँ पे, आप ऐड कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज दिस नोट्स आर वेरी मतलब ओल्ड। ठीक है, बट दीज आर वेरी यूजफुल, अगेन आई एम रिएटरेटिंग दिस, दीज नोट्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इलेक्शन को लेकर के प्रेजिडेंट के, तो कौन सबसे पहले आएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली अथॉरिटी हैज जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट इज चैलेंज। ठीक है, अब अगर किसी भी प्रेजिडेंट के इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए, तो उसने जितने भी काम किए हैं उससे पहले क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, नहीं, वो सारे क्या रहेंगे, कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, वो सारे क्या रहेंगे, फोर्स में रहेंगे। ये इलेक्शन सारे PYQs हैं, CDS, FCAT वगैरह सबके PYQs हैं, ECAPA वगैरह सबके। ठीक है, हर पॉइंट में क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू एनालाइज द इलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू द प्रेजिडेंट पोस्ट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आप अगर कोई भी स्टेट में लेजिस्लेचर अगर एबसेंट है, तो इसके हिसाब से हम क्या नहीं कर सकते, नल एंड वॉइड नहीं कर सकते इलेक्शन को। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA इज नॉट नेसेसरी, बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA के बारे में, कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLAs वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब आपका एक काम है क्या, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट वैल्यू किसकी है MLA की, और सबसे लोएस्ट किसकी है, हाईएस्ट मैं बता देता हूँ UP, लोएस्ट आप खुद डिसाइड कर लेना किसकी है। ठीक है, बट MP में जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, MPs of Rajya Sabha has the same value as of Lok Sabha. There is no difference in the value of vote of MPs. ठीक है,
इलेक्टोरल कोटा क्या होता है बेसिकली? क्या है इलेक्टोरल कोटा? एक ही सीट होती है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन में वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, मतलब जो भी है यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से क्या है, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल कोटा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, जो क्वेश्चन बनना था मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम एल ए वेरी करती है एक स्टेट से दूसरी पे, और एम पी एस की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है एज ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। वॉट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकमिंग एन प्रेजिडेंट, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशंस हैं प्रेजिडेंट बनने के लिए? भाई जाहिर सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन है फ्रॉम हेयर इज, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए? दिस डजेंट मैटर कि उसको सिटीजनशिप कैसे मिली। अननेचुरलाइज्ड पर्सन कितने तरीके से सिटीजनशिप पा सकते हैं? पता है हम सबको कितने तरीके से पा सकते हैं? कितने तरीके से बताओ? नहीं बताया तो आप सोचोगे पता नहीं है इसे, चोरी करता है, ठीक है। तो पांच तरीके से हम सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। दैट इज हम बात करें बाय बर्थ, बाय डेसेंट, ठीक है, बाय बर्थ, बाय बेसिकली बाय बर्थ, बाय सॉइल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, हम बात करें नेचुरलाइजेशन, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पांच तरीके हो गए। अब नेचुरलाइज पर्सन कैन ऑल्सो बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही ऑल्सो कैन, ही और शी कैन ऑल्सो बी इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम इसको पोस्ट दे सकते हैं, अनलाइक यूएसए। यूएसए में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको उसी देश में जन्म लेना पड़ेगा आपको, अगर वहाँ का प्रेसिडेंट बनना है तो, ठीक है। नाउ 35 ईयर्स एज होनी चाहिए क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब जो भी एम पी बनने के लिए सारी कंडीशन होती हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए भी सारी लागू होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट 1951। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपका कोई भी और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, वेदर इट इज सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड एनीथिंग। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक और चीज़ कि ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नेवर नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट वन थिंग इज हेयर जो आपके कम मतलब कि नहीं है, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं जैसे, कि मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ बट मैं नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके मतलब का नहीं, बस इतना आएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन है नहीं है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट दे रखे हैं कि इस तरीके से हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहचान सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉमिनेशन सब्सक्राइब होना चाहिए 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 एज सेकेंडर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ इम्यूनिटीज, इम्यूनिटीज इज गिवन टू प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर ऑल्सो अंडर आर्टिकल 361। सो मैनी इम्यूनिटीज आर देयर, अगर फोर इम्यूनिटीज। लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती पहली बात ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट्स। कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट अनलाइक पीएम और सीएम। सीएम हमारे दो सीएम करंट सीएम यू नो इज अरेस्टेड बाय ईडी अरविंद केजरीवाल रिसेंट वन। अब जैसे ईडी आ गया न्यूज़ में, अब आपको ईडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एनफोर्समेंट और डायरेक्टरी क्या क्या करते हैं, कौन कौन से एक्ट के थ्रू ये काम करते हैं। पीएमएलए हो गया, बहुत सारे एक्ट हैं जिसके अंडर ये अरेस्टिंग कर सकते हैं। क्या इनके पास अरेस्टिंग की पावर है या नहीं है? पहले बता दिया मैंने अरेस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल अगर नहीं बोलता तो आपको ये सारे काम करने थे खुद से, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईडी के बारे में पता होनी चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फोर्थ, इम्यून फ्रॉम प्रोसीडिंग अनलेस 2 month नोटिस इफ गिवन टू स्टार्ट सच प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग से भी क्या होती है, इनको छूट मिल रखी होती है, अगर दो और करनी भी है तो 2 महीने का आपको देना पड़ेगा। तो अगर एक स्टेटमेंट बन जाए कि प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सो इज दैट ट्रू और रॉन्ग? इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है 2 महीने का नोटिस देने के बाद, ठीक है। नाउ टर्म, 5 साल का टर्म होता है। रेजिग्नेशन कैन बी टेंडर टू द वाइस प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। कैन बी री इलेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार इलेक्टेड हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी लगातार 2 tenure सर्व किया है। रिमूवल ओनली बाय इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है कंटिन्यू इन ऑफिस बिफोर नेक्स्ट प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, ठीक है। वेरी सिंपल पॉइंट्स। नाउ रिमूवल और इम्पीचमेंट, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 62। भाई 62 में दे रहा, 62 ही है ना, 62 नहीं 61 है आई फील, ठीक है। प्लीज़ चेक इट बाई योर सेल्फ कि 62 है या 61 है, कि इम्पीचमेंट 61 में आई फील, ठीक है। इम्पीचमेंट 61 में हमें दे रखा है कि किस तरीके से हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दे रखा है। साहिर सी बात बताता हूँ मैं, इम्पीचमेंट के लिए क्या है क्या जरूरी नहीं है। ओनली एक ग्राउंड दे रखा है इम्पीचमेंट के लिए, अगर इससे ज़्यादा दिए जाते हैं स्टेटमेंट में तो साफ साफ गलत कर देना उसको। ओनली इम्पीच्ड बाय वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तभी होता है। एंड द यू नो चेरी ऑन द केक इज कि पता ही नहीं है किसी को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इट इज़ नॉट नो वे डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वॉट इज वायलेशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। दैट इज़ वाई अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी मेजोरिटी चाहिए होती है, अच्छी मतलब बहुत ही तगड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड द मेजोरिटी इज, लेट मी यू नो शो यू व्हाट इज द मेजोरिटी इज वेरी सिंपल, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की हमें 2/3 चाहिए, विच इज़ वेरी ह्यूज टू गेट, ठीक है। कोई सी भी पार्टी की इतनी नहीं होती है, तो दैट इज़ वाई प्रेजिडेंट को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड आइदर मतलब लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। वन मोर ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू कि राज्यसभा और लोकसभा जो वर्ड्स हैं, क्या ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे या नहीं थे, और नहीं थे तो ये कब आए, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, इफ देर आर 245 मेंबर्स इन द हाउस तो 1/4 से साइन होने चाहिए, एंड 245 इन द लोकसभा तो 1/4 से साइन होने चाहिए, ठीक है। और 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को। आफ्टर दिस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड देन गोज टू द नेक्स्ट हाउस। लोकसभा में तो 2/3 इनको यहाँ पे मिलनी चाहिए और 2/3 इन द राज्यसभा मिलनी चाहिए। इट इज अ वेरी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ दिस हाउस नाउ इन्वेस्टिगेट द चार्ज विद प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड। अगर उनकी जो प्रोसीडिंग है चल रही है इम्पीचमेंट के थ्रू, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ और अगर दूसरा भी हाउस उसे पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से, तो वो क्या हो देंगे, इम्पीच हो देंगे। नाउ नोट, एक नोट है बहुत ज़रूरी, जो नोट है ये क्या है, कोलिजियम हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या थे कि इलेक्टेड मेंबर थे सारे, कहाँ कहाँ के थे, पार्लियामेंट के थे, लोकसभा के, राज्यसभा के थे, और कहाँ के थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थे और यूटी के असेंबली के थे। बट यहाँ पे इम्पीचमेंट में क्या होता है, इम्पीचमेंट में क्या होता है, बोथ द इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। नाउ ट्रिक क्वेश्चन हो गए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इम्पीचमेंट में उसमें क्या दिक्कतें हैं समझ में आ जानी चाहिए आपको। और एक और चीज़ कि स्टेट के MLAs इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली पार्लियामेंट डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के पास, वी ऑल नो दैट पावर्स ऑफ द यू नो प्रेसिडेंट इज टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल 53। एंड एक धर्म होता है पॉलिटी स्टूडेंट का कि अगर वो आर्टिकल 53 पढ़ रहा है तो वो आर्टिकल 74 भी पढ़े। दोनों आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है साथ में, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। व्हाट डज आर्टिकल 53 सेज, आर्टिकल 53 सेज दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, द पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर आइदर बाय हिमसेल्फ और बाय अपॉइंटिंग और बाय यू नो गिविंग दिस पावर टू अ सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आर्टिकल 53। अभी जो पावर है ये 74 के हिसाब से करेगा यूज, क्यों, 74 में क्या लिखा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वॉज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। तो दीज आर टू आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। ओके नाउ पावर्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज एग्जीक्यूटिव पावर वी विल से, क्योंकि अपॉइंटिंग जितनी भी होती हैं सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट करते हैं। सेकेंड हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है भाई, बिल पे साइन करना है लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस बनाना है लेजिस्लेटिव पावर है भाई, ठीक है। थर्ड हम बात करें जुडिशरी पावर, जुडिशरी पावर आर्टिकल 72 यहाँ पे आता है पिक्चर में, पार्डनिंग पावर, पार्डन कर सकते हैं, जुडिशियल पावर है उनके पास, ठीक है। हम बात करें और कौन सी पावर है उनके पास, मिलिट्री पावर है भाई, मिलिट्री पावर बोले तो भाई डिक्लेयर वॉर कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, चीफ मतलब कमांडेंट कौन होता है तीनों फोर्सेस का, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर ये भी इनके पास है, ठीक है। तो बहुत सारी पावर्स हैं इनके पास, लेट अस रीड 1/1। थोड़ी सी अभी पार्किंग की आवाज़ आ रही है कार की, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं एडिटिंग में जितनी हटा पाऊँ हटा दूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ओके नाउ ऑल एग्जीक्यूटिव आर टेकन अंडर हिज नेम, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं सारे प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं, वहाँ पे जाते हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज हैं बट होते साइन किसके हैं, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के होते हैं। He can make rules specifying the manner in which the order and other instrument made and executive in his name shall be authenticated. Article 78 sub clause B कहता है कि उसको सारी मतलब जो president हैं इनके पास right होता है to be informed of the affair of the union. Union जो भी काम करता है prime minister का काम है कि उनको सारी चीज़ें बताए prime minister को, तो sorry president को, so prime minister is the link between president and council of ministers. So अगर मैं बनाना चाहूँ तो PM यहाँ पे हैं,
प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारे और यहाँ पे क्या है CUM. सो प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 78 सप्रॉस बी. ही कैन मेक रूल फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड लोकेशन ऑफ द सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, बट वो देता कौन है, प्रेसिडेंट देते हैं. अपॉइंट PM, CM सारी चीज़ें करते हैं. होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग इज प्लेजर. बेसिकली होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग इज प्लेजर मतलब प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो जितने भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम प्रेसिडेंट, तो ये सारे ऑफिस किसके बल पे होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जब चाहे नहीं हटा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज प्लेजर. ऑफिस होल्ड करता है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर गवर्नर्स ऑफ स्टेट. ठीक है, और कौन कौन से अपॉइंट्स करता है ये, कैग कंट्रोलर ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिवन अंडर आर्टिकल 58-51. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324-329. इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है वहाँ पे. चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC 312 से लेकर के आगे तक बात की गई है इसमें. वाटर सप्लाई कमीशन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल. और से जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम आफ्टर नेसेसरी प्रोसीडिंग बाय द कलीजियम. कलीजियम जो भी डिसीजन लेता है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट. बट हाई कोर्ट जज आर रिमूव्ड बाय गवर्नर. ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, किस किस को रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, रिमूवल मेड बाय द प्रेसिडेंट. अटॉर्नी जनरल को अपने हिसाब से चेयरमैन और मेंबर ऑफ UPSC SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, ऑन रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देता है उस हिसाब से. कैग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट CEC इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली ऑन इम्पीचमेंट. SC ST अपॉइंटमेंट अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC. आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज़ें देंगी जो आपके काम की नहीं है. फॉर एग्जांपल स्पॉइल सिस्टम. ठीक है, स्पॉइल सिस्टम USA में फॉलो होता है, इंडिया में फॉलो नहीं होता है. क्या होता है आप पढ़ लेना नोट्स के थ्रू. ठीक है, कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट रिलेशन अंडर आर्टिकल 263. ठीक है, अब बोलोगे सर आप भैया आपको आर्टिकल कैसे याद है. भाई आर्टिकल याद है, पढ़ा है इतने साल. ठीक है, टू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स, और ये ज़्यादातर आर्टिकल न्यूज़ में रहते हैं. ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएंगे. डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट्स द UT थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है UT का कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, आर्टिकल 75 एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स दैट ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ. और आर्टिकल 74 भी मैं बता चुका हूँ आपको, क्या कि एग्जीक्यूटिव पावर आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वॉज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो एडवाइस देते हैं वो कौन देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं. कौन, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली. ठीक है, तो ये चीज़ है. नाउ सेकंड फंक्शन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा. दिस इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन की कोई भी अगर सेशन होता है तो उसको समन कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं. प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. वॉट इज समन एंड प्रोरोग आप पढ़ोगे आगे जाके किस में, पार्लियामेंट में. आई विल टेल यू, टेंशन मत लो क्या होता है क्या नहीं होता. कैन समन जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कि जॉइंट सेटिंग जब भी होती है दोनों हाउसेज की, उसको भी कौन समन करता है, प्रेसिडेंट करता है. अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या, कि जॉइंट सेटिंग कब कब होती है. ठीक है, और अगर स्पीकर एबसेंट हो तो कौन, अब मतलब उसको कौन करेगा, हेड कौन करेगा. अब देखो बहुत से लोग सोचेंगे कि स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का स्पीकर है वो नहीं होगा, तो राज्यसभा का स्पीकर वो चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो करेगा. तो वो भी नहीं करता. क्यों नहीं करता है, क्योंकि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिकॉज ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. बेसिकली एक्स ऑफिशियो मतलब क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो चेयरमैन है. ठीक है, बट जब पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है तो स्पीकर अगर एबसेंट होगा तो कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर लेगा. अब डिप्यूटी स्पीकर भी एबसेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ या डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, सो देयर इज नो स्कोप फॉर वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ जॉइंट सेटिंग बेसिकली. ठीक है, तो ये था. कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. मतलब 5 साल बाद जब भी एक पहला सेशन होगा उसको भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही हमारे वो करते हैं, एड्रेस करते हैं. और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी कौन एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं.
कैन सेंड एनी मैसेज टू लोकसभा एंड राज्यसभा, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर को भी कौन नॉमिनेट करता है, मतलब अपॉइंट करते हैं, लोकसभा करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, सॉरी 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है बेसिकली। स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। 2 मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट करने का काम किसका था, प्रेसिडेंट का था, बट नाउ दीज 2 मेंबर्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है, मतलब अब ये नॉमिनेट नहीं होते हैं, तो हटा देना इसे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नोट्स पुराने हैं, बट यू नो वी नीड टू अपडेट दिस, ठीक है। सेकेंड लास्ट, डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, एंटी डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन बेसिकली। डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी भी मेंबर का किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर देखा जाए तो बाकी अगर एंटी डिफेक्शन पे कौन डिसाइड करता है, स्पीकर करता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम, तब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन क्या है, एंटी डिफेक्शन कब आया था, एंटी डिफेक्शन क्या जो भी है, तो एंटी डिफेक्शन कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 विच इंट्रोड्यूसेस 10th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए, कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कैसे कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब बैक ऑन द माइंड चलनी चाहिए, ठीक है। नाउ प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन टू लेजिस्लेचर, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बिल को लाने के लिए हमें प्रीवियसली सेंक्शन करवाना पड़ता है प्रेसिडेंट से, ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, लेट मी इरेज ऑल द थिंग फर्स्ट, ठीक है, ओके। नाउ प्रीवियस सेंक्शन किस किस में लगता है, ठीक है, बिल इन्वॉल्विंग द एल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर न्यू स्टेट बना रहे हैं या उसकी बाउंड्री को अल्टर कर रहे हैं तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। बिफोर इंट्रोडक्शन इन द हाउस, दिस पावर ऑफ रिकमेंडिंग सच लेजिस्लेशन इज गिवन सो दैट द प्रेसिडेंट कुड ऑब्टेन द व्यूज ऑफ अफेक्टेड स्टेट्स बिफोर इनिशिएटिंग सच लेजिस्लेशन। जब हम आर्टिकल 2 और 3 पढ़ते हैं, जब हम बेसिकली आर्टिकल 1-4 पढ़ते हैं जिसमें ये सारी बातें की गई हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज होता है या हमें एक स्टेट से दो स्टेट बनानी पड़ती हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट पहले ही एडवाइस भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, जो भी कंसर्न स्टेट है वहाँ से लेजिस्लेचर में डिस्कस करने के बाद वहाँ पे आती है, बट दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तब भी चाहें तो कर सकते हैं, उन्होंने मना किया तब भी कर सकते हैं, उन्होंने हाँ किया तब भी कर सकते हैं, इट्स अप टू द प्रेसिडेंट बेसिकली, बट ओनली टू टेक एडवाइस और टेकिंग द व्यूज ऑफ दैट स्टेट वो चीज़ करते हैं, ठीक है। अब मनी बिल को बेसिकली प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है टू बिफोर द इंट्रोडक्शन। बिल इन्वॉल्विंग एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम सी एफ आई क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल बिल 1 एंड मनी बिल, नॉट फाइनेंशियल बिल 2 विच डू नॉट नीड इज रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन द पार्लियामेंट। सो बेसिकली देर आर 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, विच वी विल लर्न अबाउट इन आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल 1 में होता क्या है, जरा मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे आपको 1 और 2। फाइनेंशियल बिल 1 में क्या होता है, आर्टिकल 110 के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। 110 क्या होता है, मनी बिल होता है, दैट टॉक्स अबाउट मनी बिल, तो मनी बिल के भी कुछ पार्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगता है। और जो सेकंड वाला बिल है इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होती जिससे कि अफेक्ट मतलब आर्टिकल 110 हार्म हो, जो भी हो, ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। अब बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है किसकी, प्रेसिडेंट की। स्टेट बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड और अफेक्टिंग द प्रिंसिपल लेड डाउन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनीज टू द स्टेट और वेयरिंग द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम और इम्पोजिंग सरचार्ज फॉर द, बेसिकली वही है कि स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे अगर हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे कि स्टेट का जो है राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए हमें प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का। एंड द होल पर्पस ऑफ दैट इज कि हम प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट की क्या ले लें, थोड़ी सी एडवाइस ले लें कि भाई हम ये करें ना करें, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अगर होगी भी तो वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31A क्लॉज 1, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है बेसिकली आर्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे ये चीज़। बिल फ्रॉम द हाउस, आप देखो बिल फ्रॉम द हाउस इज सेंट टू द बेसिकली प्रेसिडेंट फॉर देयर एसेंट, बेसिकली सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, ठीक है। अब मैंने बता चुका हूँ आपको पहले कि आर्टिकल 111 डील्स विद द वीटो पावर्स एंड देर आर बेसिकली देर आर 4 टाइप ऑफ वीटो पावर, बट इन इंडिया द इंडियन प्रेजिडेंट हैव ओनली 3 टाइप ऑफ वीटो पावर्स, ठीक है। क्या हमें वो पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे कि कितने तरीके की वीटो पावर है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग इज वी नीड टू नो दैट क्या प्रेजिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो अपनी एसेंट दे सकते हैं, मे गिव इज एसेंट, विद होल्ड इट होल्ड कर सकते हैं, या फिर उसको सेंड बैक कर सकते हैं फॉर द रिकमेंडेशन टू द हाउस। बट
देर इज अ ट्रिक, मतलब देर इज अ यू नो थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अगर उन्होंने एसेट दे दी कोई बात नहीं, विद होल्ड कर ली तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने वापस दे दी रिकमेंडेशन के लिए और वहाँ पे चेंजेस हुए नहीं हुए तब भी अगर वो बिल वैसे वापस आ गया तो उनको साइन देना पड़ेगा, देन द प्रेजिडेंट कैन नॉट विद होल्ड द बिल। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ सेंट बैक टू द हाउस विद रिकमेंडेशन एंड द बिल कम्स बैक फॉर एसेंट, ही मस्ट गिव एसेंट टू द बिल रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस मेड बाय द हाउसेस। ठीक है, तो वो चीज़ लिखी हुई यहाँ पे कि अगर दे दी एसेंट कोई दिक्कत नहीं, नहीं दी तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वापस दे दिया बिल फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द चेंजेस और अगर हाउस ने चेंज किए या नहीं किए तब भी उनको बिल पे साइन करना पड़ेगा, मस्ट गिव इज एसेंट। बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, नाउ अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर हैज फोर ऑप्शंस, विद होल्ड हिज एसेंट, गिव हिज एसेंट, गिव्स बैक द बिल टू द यू नो लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिकंसिडर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन टू द गवर्नर टू होल्ड द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन वगैरह। ठीक है, तो वो कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है, गवर्नर में रेफर अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, में गिव हिज एसेंट, विद होल्ड इट और सेंड बैक द बिल थ्रू गवर्नर विद रिकमेंडेशन टू द लेजिस्लेचर, बट ये वहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी दे सकता है। और अगर एक बार बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए चला गया तो गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं है, तब लेजिस्लेचर को वो सारा काम किससे कराना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, क्या मनी बिल भी गवर्नर भेज सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, द आंसर इज यस, ही कैन ऑल्सो सेंड द वॉट मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, एंड जो प्रेसिडेंट है वो मनी बिल पे भी क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, किसके मनी बिल पे, स्टेट के, यूनियन के नहीं, यूनियन के मनी बिल पे तो देनी ही पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी, देखो एक लॉजिक होता है, समझो इस लॉजिक को। यहाँ पे हमने देखा कि मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, यहाँ पे हमने देखा कि मनी बिल के लिए क्या लगती है, प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। तो अगर प्रेसिडेंट ने पहले ही बोला है कि आप मनी बिल इंट्रोड्यूस करो और वो पास हो गया तो क्यों नहीं करूँगा मैं, अगर मैंने बोला है कि ये काम करो और तुमने कर दिया तो मैं डांटूंगा तुम, नहीं डांटूंगा, कर दूंगा ना सही। सेम चीज़ है, स्टेट लेजिस्लेचर पे ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, तो वो जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं और अगर गवर्नर ने वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए रोक दिया है तो मनी बिल भी हम विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन हाउस इज नॉट इन द सेशन, दैट इज अंडर आर्टिकल 123, अंडर आर्टिकल 123 दिस इज फॉर प्रेसिडेंट एंड 213 इज फॉर गवर्नर। ठीक है, गवर्नर कैन ऑल्सो प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। ठीक है, तो ये था हमारा, और ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें सेम होती हैं एक एक्ट के, मतलब अगर जो बिल पास होता है हमारा पार्लियामेंट से और जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट, सेम पावर होती है, सब कुछ सेम होता है, बट अगेन जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा वापस आएगा तो उनको जो ऑर्डिनेंस है वो पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डिनेंस जो है वो क्या हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी, कितने हफ्ते में, 6 हफ्ते में। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है ऑर्डिनेंस की वो कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइफ, यहाँ पे नहीं लिखा है बट आई विल टेल यू, मैक्सिमम लाइफ इज 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ठीक है, ऑफ द ऑफ एनी ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस कैन लिव। ठीक है, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉज बेसिकली। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट हैज द यू नो ऑब्लिगेशन ऑफ बेसिकली इंट्रोड्यू और पुट फॉरवर्ड सम रिपोर्ट्स ऑफ यू नो सम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो लेज रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, कैक की रिपोर्ट जो भी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट, वो सारी कौन करते हैं, और कैक 3 रिपोर्ट बनाता है, कौन कौन सी बनाता है प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। कैक यूपीएससी की जो भी रिपोर्ट होती है वो सारी करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST एंड रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेज, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ही सामने रखते हैं किसके, पार्लियामेंट के। कैन मेक रेगुलेशन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान दादर एंड नागर हवेली लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, सेम इन केस ऑफ पौंडीचेरी बट ओनली वेन लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउ जुडिशियल फंक्शन इज, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी जुडिशियल फंक्शन क्या होता है कि CJI को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑब्वियसली। ठीक है, कौन ये पार्डन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूटेशन द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस बेसिकली। ठीक है, ओके, फाइनेंशियल बेसिकली। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि वी वॉज मेड थ्रू कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल की भी पनिशमेंट को ये रिवर्स कर सकते हैं। द ओनली पर्सन ऑन द प्लानट, ऑन द प्लानट नहीं, ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया हु कैन यू नो रिवर्स द वर्डिक्ट गिवन बाय कोर्ट मार्शल इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द ओनली वन।
वॉज एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन ऑफ लॉ सेंटेंस ऑफ डेथ, ये तीनों चीज़ों को कौन कर सकता है? रिवर्स ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर्स भी होती है, मैंने बताया था आपको। तो व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स? बिल इन्वॉल्विंग एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई, बेसिकली फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, उसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली बजट जो भी होता है वो यही ले करते हैं ऑन द पार्लियामेंट। बजट कौन से आर्टिकल में कहा गया है बता होना चाहिए आपको, 112, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन, डिमांड ऑफ ग्रांट कौन से आर्टिकल में गिवन है? प्लीज़ इफ़ यू कैन प्लीज़ टेल मी कौन से आर्टिकल में है, 114, 115, 116, कौन से आर्टिकल में, प्लीज़ मुझे बताना। कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देखो तीन तरीके के फंड होते हैं, ये भी सुन लो, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन होते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकल सकता है लेजिस्लेचर के थ्रू, मतलब थ्रू वोटिंग, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, किसके हाथ में? एग्जीक्यूटिव। सो प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, तो ये पैसे निकाल सकते हैं थ्रू विद द कंटिजेंसी। जो भी अनफोर्सीन खर्चा आता है वो सारा किससे आता है? कंटिजेंसी फंड से आता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सारा पैसा आता है जो पब्लिक का होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू करते हैं स्टेट सेंटर के बीच में, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का, वॉट एवर इज कलेक्टेड। बट नाउ दिस इज वेरी शॉर्टेड कि क्या होता है, जीएसटी आता है, दोनों में डिवाइड हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी सॉर्टेड, बट बैक इन द टाइम इट इज़ वेरी हार्ड। डिप्लोमेटिक भी कुछ चीज़ें होती हैं, फॉरन ट्रीटीज जितनी भी साइन होती है वो इनके ही बिहाफ पे होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मिलिट्री सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेज के, ठीक है, बस यही है और क्या। और अगर डिक्लेयर करनी है वॉर और पीस तो परमिशन चाहिए किसकी? रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट बेसिकली, बट डिक्लेयर कौन करते हैं? यही करते हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे। इमरजेंसी पावर्स होती हैं इनके पास, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी विच इज़ नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चेंज हुई हैं, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज हो गया था वर्ड, एंड जो नया वर्ड आया था वो कौन सा था? आर्म्ड रिबेलियन बेसिकली, वो चेंज हो गया है। उसके बाद आया था रिटन कंसेंट ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का रिटन कंसेंट होगा तभी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हमारे इमरजेंसी लागू करेंगे। तो कैबिनेट वर्ड जो है इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट कैबिनेट वर्ड आया था 44th और आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो देख लो आप, ये था ही नहीं उससे पहले वर्ड कैबिनेट, उसके बाद ही वर्ड ओरिजिनेट हुआ है कैबिनेट, ठीक है। तो रिटन चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इमरजेंसी के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज चेंज बाय आर्म्ड रिबेलियन, रिटन कंसेंट चाहिए होता है अब। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ नेशनल इमरजेंसी के बारे में, आप बताना कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, हाउ मेनी टाइम्स डज नेशनल इमरजेंसी टेक इन टू प्लेस, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, जीरो टाइम। बट ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल इमरजेंसी वंस यू नो इज डिक्लेयर ऑन इंडिया, बट नेवर हैपन इन इंडिया फॉर्चुनेटली, कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है इंडिया के ऊपर, ठीक है। यार समझ सकते हो तुम मेरी भावनाएं, अभी मैच चल रहा है आईपीएल फर्स्ट मैच, और मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि आई थॉट कि यार टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, है ना, वहाँ पे भी वेस्ट करता, हाईलाइट देख लेंगे 15 मिनट की, नो इश्यूज एट ऑल, बट आई विल गिव माय 100% फॉर दिस वीडियो। जितनी भी बड़ी वीडियो हुई होगी अभी, आई थिंक 38 और समथिंग मिनट हुए हैं अभी, आई विल ट्राई टू स्ट्रेच इट एज लॉन्ग एज आई कैन, जब तक मैं बोल पा रहा हूँ तब तक। वीटो पावर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि गिव इज एसेंट विद होल्ड इज एसेंट रिटर्न द बिल टू द हाउस, ठीक है। यहाँ पे तीन वीटो दे भी रखी हैं जो हमारे पास होती हैं। इसके अलावा एक और वीटो होती है, जो चौथी वीटो होती है, मैंने बताया था आपको, विच इज़ क्वालिफाइड वीटो, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पे है, इंडियन प्रेसिडेंट पे नहीं है। तो एब्सोल्यूट वीटो इज़ पावर टू विदहोल्ड एसेंट इज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, कि हम विदहोल्ड कर लेंगे, हम देंगे ही नहीं एसेंट, हम नहीं देंगे भाई, ठीक है। कैन विदहोल्ड एसेंट टू एनी बिल एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा किसी भी बिल पे ही विदहोल्ड कर सकते हैं। Usually not necessarily constitutionally can do so in case of private member bill or government bill if the cabinet resigns after the passage of bill through the two house and the new cabinet advises the president not to give his assent to the such bill. अगर ये चीज़ आपको complicated समझ में नहीं आई है तो समझ लो कि usually president ऐसा नहीं करते हैं कि withhold कर लें assent, ये तभी करते हैं या तो private member bill introduce करें या फिर
जो बिल पास हुआ है उसके जस्ट बाद क्या हो जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाए, रिजाइन कर दे या फिर नई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है वो बोल दे कि आप साइन मत करो। तो ये बहुत से माइन्यूट केसेस होते हैं जिसमें ऐसा होता है। द ओनली बिल जिस पे कि विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं सेंट, वो कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल CAB। सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज व्हेन द रिटर्न व्हेन ही रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एक्सरसाइज ये कब होती है सस्पेंसिव वीटो, जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, और अगर वो वापस से बिल पास होकर आ जाए तो उन्हें बेसिकली जाहिर सी बात है कि दोबारा से साइन करना पड़ता है। इफ पासिस अगेन मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, डज नॉट हैव सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में इनके पास कुछ नहीं है ऐसा। सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में क्यों नहीं है, सुनो जरा। मनी बिल को या तो ये दो ही चीज़ कर सकते हैं मनी बिल के साथ, या तो विदहोल्ड कर सकते हैं या तो एसेंट दे सकते हैं। ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, क्योंकि मनी बिल एक ऐसी चीज़ है ना जिसको बहुत ही ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। इधर देखो बहुत सी फेमस कहानी है कि जो इंडियन मतलब पूरा ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ अ हाथी एलिफेंट, और इस हाथी को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो इसलिए बहुत ही चीज़ें दे रखी हैं इसमें कि आप मनी बिल के साथ बहुत छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको प्रायर रिकमेंडेशन मिलती है आपका। तो ऐसा होता भी नहीं कि मनी बिल पे जो प्रेसिडेंट है वो विदहोल्ड कर ले ऐसे, ठीक है। थर्ड इज पॉकेट वीटो, नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल। बेसिकली देर इज नो टाइम फ्रेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेजिडेंट टू असेंट द बिल, ही कैन विदहोल्ड द असेंट ऑल्सो। मतलब विदहोल्ड असेंट मतलब ये कुछ बोलेंगे नहीं, ना तो रोकेंगे ना तो साइन करेंगे, ये रखे रहेंगे कि हाँ रखा है मेरे पास, मैं सोचूंगा फिर करूँगा साइन, क्योंकि देर इज नो टाइम फ्रेम, ठीक है। कीप द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। एक्सरसाइज बाय जयल सिंह, जयल सिंह एक प्रेसिडेंट थे हमारे जिन्होंने यूज़ किया था 1986 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल पास करने की कोशिश की थी टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। कर लेते रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ज़्यादा सही रहता, बिकॉज इंडियन रैंकिंग इज 161 राइट नाउ आउट ऑफ 180 कंट्रीज, सो दिस इज अ वेरी दिक्कत वाली बात, ठीक है। नो वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड गिव हिज असेंट। नो सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल, ही कैन नॉट रिटर्न दिस, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट है जो याद रखना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अब देखो यहाँ पे इजी क्यों हो गया पढ़ना हमें, इन मतलब सर के नोट्स से हमें इजी क्यों हो रहा है पढ़ना। द ओनली रीज़न, द होल एंड सोल रीज़न इज कि सारे अरेंज्ड हैं क्वेश्चन वाइज, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में तो सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते तो पहले आधा इधर आता, फिर आधा उधर आता, फिर आधा उधर आता, ठीक है। बट नाउ एवरीथिंग इज शॉर्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फैली हुई है राइट, मतलब इट्स वेरी मतलब वेल अरेंज्ड, दैट इज़ वाई रीज़न आई इज नाउ, है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123, पहले ही बता चुका हूँ मैं सारे आर्टिकल आपको, ये भी बता चुका हूँ क्या होता है ये, ठीक है। कैन ओनली बी प्रमल्गेटेड वेन वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन और बोथ नॉट इन सेशन और द अनाउंसमेंट ऑफ बींग प्रोरोग्ड हैज बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट। कैन ओनली डू सो वेन ही इज कैन, आई थिंक वीडियो रुक गई क्या, ओके नहीं चल रही है। कैन ओनली डू सो वेन ही सेटिस्फाइड द सच नीड एग्जिस्ट ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, हाउएवर इज जजमेंट इन दिस केस कैन बी जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। एन ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी ऑन दो सब्जेक्ट इन विच पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ एंड हैज द सेम लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको ये ऑलरेडी जब मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था वहाँ पे। ऑर्डिनेंस शुड बी लेट बिफोर द हाउस व्हेन दे असेंबल बैक, वो असेंबल बैक करेंगे मतलब जब भी पार्लियामेंट वापस आएगा तो उसको ऑर्डिनेंस जो है वो सामने रखी जाएगी पार्लियामेंट के और बोलेंगे कि इसको साइन करना है, मतलब इसको पास करना है या नहीं करना है। ऑब्वियसली क्योंकि वो पार्लियामेंट ने पास नहीं की ना, प्रेसिडेंट ऐसे अगर सब कुछ करने लगेगा तो क्या फ़ायदा, फिर पार्लियामेंट होने का क्या फ़ायदा, ठीक है। ओके, द बिल कैन बी मेड इन टू एन एक्ट इफ पास थ्रू द हाउस, इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द पार्लियामेंट इट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 weeks ऑफ द हाउस। अब मैंने आपको मैक्सिमम लाइफ बताई थी किसकी, ऑर्डिनेंस की, विच इज 6 months प्लस 6 weeks। मैंने क्यों बोला था 6 months और 6 weeks, कैन एनीवन टेल मी, ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरा काम नहीं है वैसे आपको इतना लॉजिकली बताना, बट स्टिल आई विल टेल यू। आर्टिकल 85 विच टॉक्स अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो सेशंस के बीच में। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो यहाँ पे सेशन खत्म हो रहा है और यहीं पे पहला दिन है, ठीक है, अब 6 महीने बाद सेशन को मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 6 महीने तो ये हो गया ऑर्डिनेंस की हमारी क्या है लाइफ, अब 6 हफ्ते तक और चलेगा अगर पार्लियामेंट ने उसे नहीं टेक ओवर किया तो कितनी लाइफ होगी, 6 months 6 weeks, वेरी लॉजिक, ठीक है। तो आर्टिकल 85 की मदद से मैंने आपको समझा दिया है, तो प्लीज़ देखो 6 months and 6 weeks अनलेस रिजेक्टेड, ठीक है।
इफ द ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट दैट इन इट रिमेंस फुल्ली वैलिड एंड इफेक्टिव। और अगर 6 महीने 6 हफ्ते तक ये रह जाती है तो जो जितने भी काम इसने किए हैं तो वो क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, नाउ डीसी वधवा केस 1987। सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट बिटवीन 1967 टू 81 द गवर्नर ऑफ बिहार प्रमल्गेटेड 256 ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट। ठीक है, सेम टेक्स्ट के साथ 256 ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए किसने, बिहार के गवर्नर ने। ठीक है, क्यों, ताकि वो लेजिस्लेचर्स की पावर को ओवररिडन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि आप रीप्रमल्गेशन नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस को, ये क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड दीज ऑर्डिनेंसेज आर लायबल टू स्ट्रक डाउन, दिस इज वेरी मच ओके। ठीक है, नाउ पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गिव्स द पार्डनिंग पावर टू द प्रेजिडेंट एंड अलाउज द प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस, सेंटेंस इन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, यूनियन लॉ अगर तोड़ता है तो उसको प्रेजिडेंट दे सकते हैं कोर्ट मार्शल एंड डेथ सेंटेंसेज। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल गवर्नर हैज़ द पार्डनिंग पावर, प्लीज टेल मी। गवर्नर ऑल्सो हैज़ पार्डनिंग पावर, ठीक है, गवर्नर ऑल्सो डज हैव पार्डनिंग पावर, टेल मी इन विच केसेज एंड क्या क्या कर सकते हैं वो इन द गवर्नमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, बट स्टिल वीडियो पॉज करो, अगर पता है तो बताओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट सच पावर बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही सारी पावर यूज़ की जाएंगी। प्रेजिडेंट डिसीजन नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अनलेस इन केस ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजन इरेशनल मेलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। ये जितने भी पावर्स हैं ये मतलब इसको जुडिशियली यूज मतलब हम चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने क्यों किया। और जो भी एक पटिशनर है जिसने भी पार्डन के लिए बोला है कि मुझे पार्डन कर दो, वो जो भी पटिशनर है उसको ऑफिशियल हियरिंग, ओरल हियरिंग के लिए कोई राइट नहीं है उसके पास कि मुझे ओरल हियरिंग चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी केस में बंद कर दिया, अब मैं बोलूँ नहीं मुझे प्रेसिडेंट मेरे सामने चाहिए टू गिव मी ओरल हियरिंग, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ पार्डन 5 तरीके की होती हैं। ठीक है, बताओ ज़रा कौन कौन सी होती हैं। एक तो सिर्फ पार्डन होती है, फिर रेप्राइव होती है, फिर रेमिशन, फिर कम्यूट, फिर एक और होती है कोई चीज़, बताओ ज़रा। कम्यूट, रेमिशन, रेप्राइव, रेस्पाइट, इफ आई एम राइट प्लीज़ टेल मी। ठीक है, तो ये 5 तरीके की पार्डनिंग पावर होती हैं, सारी पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लेना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ये यहाँ पे ब्रेक लग गया है, बट व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना भाई, रोने मत लगना यहाँ पे कि भाई बताया नहीं बताया नहीं, बताएंगे ऐसा ले रखो। ठीक है, टेल यू एवरीथिंग। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। सेम मेथड डन बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट, कि कोई भी आपके वोट नहीं देख सकता कि किसने किसको वोट डाला है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम को समझने के लिए यू कैन गो टू द क्लास 11th पॉलिटी प्लेलिस्ट ऑफ माइंड, यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, ओनली बाय द मेंबर लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूडिंग बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्टोरल कॉलेजियम ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट नो मेंबर ऑफ स्टेट और यूटी इज अलाउड। ठीक है, नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वेदर नेचुरलाइज और नॉट डिपेंड्स, 35 से ज़्यादा एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, अगेन 30 ईयर्स ऑफ एज जो कि उसमें, बट वहाँ पे तो जाहिर सी बात है आरपीए एक्ट 1951। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम कहानी जो बता चुका हूँ मैं आपको, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉमिनेशन सब्सक्राइब बाय 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, 20 इलेक्टर्स सेकंडर्स, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट 50-50 था दोनों। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें, कनेक्ट करो। इम्पीचमेंट नॉट रिक्वायर्ड, कैन बी रिमूव बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, रेजोल्यूशन मूव्ड इन द राज्यसभा एंड देन अप्रूव बाय द लोकसभा, 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द, व्हाट इज हेयर इन द इम्पीचमेंट ऑफ द, इम्पीचमेंट में क्या बात की गई यहाँ पे, पहली बात तो ये सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा इज, फॉर एग्जाम्पल देर आर 245 मेंबर्स, ठीक है, इफ देर आर 245 मेंबर्स, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज 1/2, सिंपल कर दो इसे जरा, 123 मेंबर्स आर हैज़ टू बी इन द फेवर ऑफ द पिटिशन, तो उसको इम्पूज कर दिया जाएगा। एंड देन अगर यहाँ से एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है तो लोकसभा में जाएंगे, और लोकसभा में क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, डिफरेंट है दोनों। ठीक है, क्यों इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा मैंने यहाँ पे, स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली
अप्रूव्ड, नॉट मतलब मेजोरिटी नहीं, अप्रूव्ड करना है सिर्फ लोकसभा को, और अप्रूव कैसे करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू। तो प्लीज़ रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टोरल कॉलेजियम एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस। वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या चाहिए था प्रेसिडेंट के, क्या चाहिए था स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, एंड यहाँ पे क्या चाहिए ओनली एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी बाय द राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट अस कम टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन बेसिकली 352 टेल मी फास्ट 360 आई फील, ठीक है, उसके अलावा आगे तक भी है, बट दिस इज गिवन इन आर्टिकल सॉरी पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है, हो सकता है मैंने जानबूझ के गलत बताया होता कि आप कॉमेंट करके मुझे गाली दो, हो सकता है, इट कैन बी हैपन, ठीक है। प्रोवाइडेड बाई आर्टिकल 352-360 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्री टाइप ऑफ एमरजेंसी आर देयर, नेशनल इमरजेंसी, बता चुका हूँ मैं आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी। एज पर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अंडर इमिनेंट थ्रेट ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। दिस आर्म रेबेलियन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बट ओरिजिनली वॉट इज देयर इंटरनल डिप्रेशन कह रहा हूँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ओके। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर, वॉर से पहले भी हम क्या कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेजिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, स्पेलिंग गलत है भाई चेक कर लेना इसको, ठीक है, और आर्म रेबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम, सच प्रोक्लेमेशन इज एन ऑपरेशन, ठीक है। नाउ What is important here is written recommendation required from the cabinet to declare a national emergency. ये मैंने पहले ही बता दिया था, PM के बोलने से नहीं हुआ सर। 1975 में इंदिरा गांधी मतलब herself said कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो और लगा दी, बट नाउ देर इज अ चेंज, रिटन रिकमेंडेशन चाहिए हमें भाई, ठीक है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैन बी डिक्लेयर इन एंटायर पार्ट, एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, पूरी कंट्री में भी लगा सकते हैं और उसके एक छोटे से पार्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड और द डिक्लेरेशन वॉज बेस्ड ऑन होली एक्सटर्नेस और इररेलेवेंट फैक्ट, मतलब ये चैलेंज की जा सकती है कहाँ पे, जुडिशरी में। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है भाई, नेशनल इमरजेंसी लगा दी है तो पार्लियामेंट को भी अप्रूव करना पड़ेगा, पार्लियामेंट बेसिकली स्टैंड फॉर अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट्स आवर पार्लियामेंट बेसिकली, ठीक है, बाय थ्रू द इलेक्शन विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन अप्रैल 19, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 month ऑफ कमेंसमेंट, एक महीने के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा उसको अप्रूव करना पड़ेगा बाय द हाउसेज। इफ लोकसभा, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो क्या हो गया भाई, राज्यसभा से अप्रूव कराओ, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट राज्यसभा हैज ऑलरेडी अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, और जब भी लोकसभा आएगी उसे अप्रूव कर देगी। इफ अप्रूव्ड कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी अप्रूव फॉर इंडेफिनिट टाइम एवरी 6 months, इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या हो सकती है नेशनल इमरजेंसी लग सकती है हर 6 महीने पे अप्रूवल के बाद। इमरजेंसी लगी थी सबसे पहले कब बताओ जरा, हमारी वॉर कब हुई थी चाइना से, चाइना क्या हुई थी, फिर पाकिस्तान से हुई थी, पाकिस्तान में लगी थी 1965 से 1971 तक, ठीक है, बांग्लादेश भी हमने लिबरेट कर दिया था एक ही सिंगल नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग भाई, बहुत दिनों बाद मैं बोल रहा हूँ इतना, सॉरी फॉर ऑल दिस, मस्ट बी पास इन आइदर हाउस सेपरेटली थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, मतलब उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, रिवोकेशन का यहाँ पे दे रखा है आपको कैसे रिमूव किया जा सकता है इसको। तो कैन बी रिवोक बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ सच बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट कैन रिवोक द यू नो नेशनल इमरजेंसी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वो रिवोक कर सकते हैं, डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए उन्हें, बट लेकिन अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि भैया ये हटनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा को पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी टू डिसप्रूव द कॉन्टिन्यूशन, इट मस्ट बी रिवोक्ड। ऑल्सो 1/10 मेंबर अगर लोकसभा के रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को और प्रेसिडेंट को तो एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी हाउस की 14 दिनों के अंदर और उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा किसको, नेशनल इमरजेंसी को। ओके नाउ इट इज़ ओके, ओके जी, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी हमें पढ़ना पड़ेगा, बट अगेन आई विल से कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर CDS अगेन, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC, बट अगेन यू नो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम कि इम्पैक्ट क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, ज़्यादा देखते हैं कितने, ठीक है, ज़्यादा नहीं है भाई, इसमें कम लिखें क्या
ठीक है, कोई नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. स्टेट एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर एनी मैटर्स. ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव सारे किसके अंडर आ देंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंडर आ देंगे, और वो सस्पेंड नहीं होंगे. ऐसा नहीं है कि स्टेट मशीनरी सारी सस्पेंड कर दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है, वो रहेंगे, बट सारे किसके अंडर काम करेंगे, सेंटर के अंडर काम करेंगे. ठीक है, पार्लियामेंट बिकम एम्पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट. किसी पे भी वो लॉ बना सकते हैं, और ये जो लॉ हैं पार्लियामेंट के वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे 6 मंथ जब भी इमरजेंसी एंड होगी. फॉर एग्जांपल, एक लॉ बना दिया स्टेट में इमरजेंसी के, इमरजेंसी में, अब जैसे ही वो इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने बाद वो लॉ अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएंगे, अनलेस और अनटिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास कर दे. ठीक है, दिस इन केस ऑफ एनी स्टेट रिगार्डलेस वेदर इमरजेंसी इज डिक्लेयर देयर और नॉट. अगर किसी एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर गुजरात में इमरजेंसी लगी है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेसिकली पार्लियामेंट जो है, वो किसी भी स्टेट में लॉ बना सकता है. इट डजंट डिपेंड ऑन किस स्टेट पे नेशनल इमरजेंसी लगी है. प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ड्यूरिंग सच टाइम एज नेसेसरी. सेंट्रल और स्टेट में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं अगर किसी भी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग रही है. तो यहाँ पर राइट्स का बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक बताऊँगा मैं आपको याद करने की. हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी पे सारे फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखना कि 20 एंड 21 ऑलवेज रिमेन ऑपरेशनल. 20 और 21 को कोई नहीं छीन सकता हमसे. 20 क्या है कि कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता विदाउट हमें बताया कि हम क्यों हो रहे हैं. एंड 21 इज़ फॉर राइट टू लाइफ. बेसिकली हमारी राइट टू लाइफ तो नहीं छीन सकता ना कोई, तो राइट टू लाइफ कैन नॉट बी नो बिकम इन ऑपरेशनल. ये हमेशा ऑपरेशनल रहेंगे. और राइट को इम्पैक्ट करने के लिए दो आर्टिकल्स यहाँ पे गिवन है, 358 एंड 359. 358 डील्स विद आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है अलग अलग, बहुत सारे हैं, आपको पता होना चाहिए. कोऑपरेटिव बनाने का, मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, रिसाइड एनीवेयर, टू चूज व्हाट एवर ऑक्यूपेशन यू वांट. तो ये 6 तरीके के हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं आर्टिकल 19 के अंडर. तो ये सारे सस्पेंड होते हैं आर्टिकल 350 के अकॉर्डिंग, और 359 में एक्सेप्ट आर्टिकल 19 जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सारे आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग ही छीने जाते हैं, मतलब सस्पेंड किए जाते हैं. आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 19 के अंडर जितने भी आते हैं वो सारे किसके थ्रू होते हैं, 358. एंड 359 डील्स विद अदर राइट्स, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको. राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ओनली सस्पेंड इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट इन केस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, एंड ओनली दोज लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नॉट अदर लॉज. बेसिकली होता क्या है कि अगर आर्म्ड रिबेलियन, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगाई गई है तभी आर्टिकल 19 के जो हमारे राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे. दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी के भी पढ़ लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच एज नेशनल इमरजेंसी, बट पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का. प्रेजेंट रूल, प्रेजेंट रूल कैन बी मैक्सिमम पुट इन ऑपरेशन फॉर 3 ईयर्स विद द यू नो कंसेक्यूटिव अप्रूवल. फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगाई नहीं गई है, बट इसके भी कुछ अपने मतलब हम बात करें कंटिन्यूशन और डिसअप्रूवल का है. चाहिए तो यार नेट सर्च कर लो ना, इतना तो कर सकते हो. ठीक है, फॉर योर सेल्फ यू कैन डू वन नेट सर्च फॉर द कंटिन्यूशन और डिसअप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज. ठीक है, दिस टू आर्टिकल डील्स विद प्रेजिडेंट रूल्स एंड 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी. नाउ लेट अस मूव टू गवर्नर. मैंने बताया था यूनियन एग्जीक्यूटिव सिर्फ नाम के लिए लिखा है, वहाँ पे हम ये भी करेंगे. एंड व्हाट आई फील इज़ कि गवर्नर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. फॉर एग्जांपल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर पहले ही पढ़ चुके हैं हम, कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं एज ही होल्ड द ऑफिस इन प्रेजेंट प्लेजर एंड दिस इज नॉट जस्टिशिएबल. बेसिकली हम जब आर्टिकल 14 पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो वहाँ पे हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं गवर्नर का, कि गवर्नर के पास राइट टू इक्वालिटी नहीं होता बिकॉज उसकी सुनवाई नहीं होती केस की. ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट उसे इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं बेसिकली, और वो उन्हें कभी भी हटा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द केस विद गवर्नर. अपॉइंटमेंट कौन करता है? अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 बाय द प्रेसिडेंट एंड एन्जॉय द टेन्योर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉमिनेशन ऑन COM और चीफ मिनिस्टर इज मोर ऑफ कन्वेंशन देन अ रूल. बेसिकली होता क्या है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉमिनेटेड नॉमिनेशन ऑन COM और चीफ मिनिस्टर इज मोर ऑफ अ कन्वेंशन देन अ रूल. ये कन्वेंशन ही, कोई रूल नहीं है कि चीफ मिनिस्टर से पूछा जाएगा. ठीक है, इट इज़ ओनली अ कन्वेंशन. तो अगर लिखा हो कि इट इज़ मैंडेटरी टू यू नो
ask the chief minister of the concerned state before appointing a governor. That is a wrong statement. ठीक है, same person can be appointed the governor of two or more states also. एक ही governor को हम दो या दो से ज़्यादा states का governor बना सकते हैं. Under Article 74, the President is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers. Hence, effectively, the Council of Ministers appoints the governor. मैंने पहले बताया कि President की अपनी कोई power नहीं होती भाई, सारी power किसकी होती है? Council of Ministers की. Because there is one Article 74 which says that there shall be a Council of Ministers to aid and advise President, which was headed by Prime Minister. Removal. No mechanism in the Constitution for the removal of governor. कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. हिस्टोरिकली बीपी सिंह नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट विच इज देयर इन 1989 आस्क ऑल गवर्नर टू रिजाइन एज दे वर अपॉइंटेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट. बिकॉज अगर आपको पता हो राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी विच इज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में. उन्होंने बोला था कि आपको सारे जो भी गवर्नर थे स्टेट्स में सबको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज दे ऑल वर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस. एंड देन व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट केम इन द पावर दे रिमूव ऑल द गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द वीपी सिंह गवर्नमेंट. सम वर अलाउड टू कंटिन्यू एंड सम वर रिप्लेस. एंड सेम इन 1991 व्हेन पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट चेंज 14 गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर गवर्नमेंट विच इज द बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट विच इज द ओनली माइनॉरिटी गवर्नमेंट सर्वाइव 5 years इन द टेन्योर. सेम इन 2004 व्हेन Congress came in power and to 2014 under Modi government. So this is a basically a rule जो बन चुका है कि अगर कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो सारे गवर्नर चेंज होंगे. एंड दिस बर्डन इज फेस्ड बाय द एक्सपीरियंस एस सी एक्सपीरियंट यू पी एस सी एक्सपीरियंट टू रिमेंबर ऑल द न्यू नेम्स बेसिकली. ठीक है. एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन क्या बोला उन्होंने. इन 2010 अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सम बाइंडिंग प्रिंसिपल इन दिस मैटर बी पी सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसमें उन्होंने बोला क्या बोला जरा देखते हैं ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दी. सो लेट अस रीड अबाउट दिस. एंड स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो कमीशन्स हैं जो बैठी हुई हैं कमीशन्स ने भी कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी वो भी पढ़ेंगे हम. ठीक है. ओके, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव द गवर्नर कैन नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्रेली इन एनी अनरीजनेबल मैनर. ऐसा नहीं कि भाई मना है और हटा दिया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला. बट नाउ लेट अस सी. दिस शुड बी डन ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेज. तो बोला गया था कि जब भी गवर्नर को हटाया जाएगा दैट इज ओनली इन द रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेज. द मेयर फैक्टर दैट गवर्नर डज नॉट कन्फर्म विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नर डज नॉट फॉर्म अ ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अगर कोई गवर्नर मैच नहीं कर रहा तो आप उसको हटा दोगे, दैट इज नॉट फेयर. ठीक है. सच अ डिसीजन टू रिमूव द गवर्नर कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसको लॉ मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में कर दिया जाएगा. बट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट है बच जाएगी आराम से क्योंकि इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ रिटन कि गवर्नर इज होल्डिंग द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कमीशन एंड द रिकमेंडेशन. व्हाट आर द कमीशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन. सरकरिया कमीशन 1989 में बोला था कि जो रिमूवल होगा गवर्नर का वो एक्सट्रीमली रियल और रीजनेबल केसेज में किया जाएगा. गवर्नर शुड बी एबल टू मेक देयर ओन केसेज. वेंकट चलिया कमीशन 2002 सेम है सरकारी कमीशन बोला गया था. पंसी कमीशन सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट फ्रेश शुड बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टुगेदर. गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव एट द विल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट एट द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. कहीं हद तक ये चीज़ लॉजिकली सही है. बट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड अ स्पेशल मेजोरिटी. सो दैट इज द केस अगेन. बट ये अभी तक कोई से भी इंप्लीमेंट नहीं की गई है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. Why an appointed government governor? So this is a mains type of question, UPSC mains. So you need not to go deep into that. I'll tell you why there is not a elected government and why there is a appointed government. So to save the country from yet another round of election, again same goes with president also. Why we appoint a president? Why don't we elect president as in the case of USA? Same case. क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, हम प्रेजिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट को भी अगर इलेक्ट करने लगेंगे तो क्या हो जाए, एक और इलेक्शन करने पड़ेंगे. सेम विद गवर्नर, एक और इलेक्शन करने पड़ेंगे. सेकंड चीज़ अगर इलेक्शन कर देंगे तो सीएम और गवर्नर के बीच में क्या रहेगी, टसल रहेगी. क्यों? गवर्नर भी इलेक्टेड है, सीएम भी इलेक्टेड है, दोनों को किसने चुना है? पीपल ने चुना है. तो अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर. सो दीज आर द सम पॉइंट्स कि क्यों ऐसा होता है. और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है. सो देयर शुड बी अ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर टू हैव एमिकेबल रिलेशन. बट ऐसा होता नहीं है अगेन. ठीक है. नाउ पावर ऑफ द गवर्नर. अगेन सो मेनी पावर. जो हमने किसके लिए पढ़ा है, जो हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा सेंटर के लिए, सेम हम पढ़ेंगे गवर्नर के लिए स्टेट के लिए. ठीक है. यहाँ पे अभी हम जरा देख लेते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं इनके पास. ठीक है. ओके, सो स्पेशल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं,
डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ऑर्डिनेंस पावर है, वीटो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, अगेन एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। सो ही अपॉइंट्स एसपीएससी मेंबर्स बट दे आर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। अपॉइंट कौन करता है एसपीएससी बट गवर्नर, बट रिमूव कौन करता है, बट ही कैन नॉट बी रिमूव बाय देम एंड देयर रिमूवल इज ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब एक और क्वेश्चन आता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, सो दिस इज योर क्वेश्चन अगेन। ठीक है, प्लीज चेक करना। ही कैन नॉट अपॉइंट जजेज ऑफ हाई कोर्ट बट हैज़ टू बी कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट इन डूइंग सो। ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये गलत हो गया, अब ये नहीं हो सकता नॉमिनेट। ठीक है, हटा दिया गया ये थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ही कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर आईसेक्स। यहाँ पे आईसेक्स क्यों लिखा, जरा बताओगे? लिटरेचर साइंस आर्ट। ठीक है, लिटरेचर साइंस आर्ट्स, यहाँ पे सी से भी कुछ होगा। ठीक है, ये कोऑपरेटिव्स एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा शॉर्ट फॉर्म, यू नो। अगर मैं नहीं बताता तो आप सोचते रहते हैं अरे क्या है? अगर सीधा नोट्स पढ़ोगे तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, सो ये है, इफ अ डिस्प्यूट अराइजेज ओवर द क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर डिसीजन विल बी फाइनल एंड हैज टू बी बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर के स्टेट लेजिस्लेचर में, तो गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा और वो किससे एडवाइस लेंगे इस चीज में, इलेक्शन कमीशन से। लेजिस्लेटिव पावर सेम एज ऑफ प्रेसिडेंट बेसिकली। मनी बिल, डिमांड फॉर ग्रांट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू बी रिसीव्ड, एक्सटेंशन टू बी लेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वही प्रायर रिकमेंडेशन वाला हिसाब किताब। एज अपोज द प्रेसिडेंट हु इज बाउंड ऑन द एडवाइस। बेसिकली प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एडवाइस से बाउंड होते हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी देते हैं, बट गवर्नर इज नॉट बाउंड। ठीक है, गवर्नर इज नॉट बाउंड टू द एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द आर्टिकल 163 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। द गवर्नर शैल एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल एंड द वैलिडिटी शैल नॉट बी ब्रॉट इनटू द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता उनकी वैलिडिटी को, क्योंकि इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड टू द गवर्नर एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, नाउ वीटो पावर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्री फोर ऑप्शन आर देयर अंडर आर्टिकल 200 विच इज withhold the assent, give the assent, send back the bill for the reconsideration of the state legislature and reserve the bill for the president consideration. ठीक है, so this is the thing. Okay, now ordinance power. In a concurrent list, the governor ordinance shall prevail if it has made on the president instructions. ठीक है, ये key point है इस पूरे ordinance वाली power का, कि अगर president की advice पे कोई भी governor अपना ordinance pass करता है तो उसकी वो override करेगा किसी भी state के act को। अ प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस नीडेड व्हेन सच अ मैटर वुड हैव नीडेड प्रेसिडेंशियल एसेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड इज सच अ मैटर वुड हैव नीडेड प्रेसिडेंशियल सेक्शन टू बी इंट्रोड्यूस एज अ बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कौन से बिल होते हैं ऐसे? इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट कॉमर्स, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट की क्या चाहिए होता है, सेंक्शन चाहिए होता है टू बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पहला हम बात करें ऐसा कौन सा बिल है, इंटर स्टेट कॉमर्स पे अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो है अंडर आर्टिकल 304 एंड सच अ मैटर वुड हैव रिजर्व बाय द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई सा बिल पास करने की कोशिश करता है जो हाई कोर्ट जजेस की पावर को हैम्पर करता है, तो वो भी जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इज देयर, बट अगेन क्या बोला था मैंने कि वो बाइंड नहीं है, बाउंड नहीं है। ठीक है, जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या है मैंने बता दिया था, अंडर आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू डिटरमाइन वेदर एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर साहब करेंगे हमारे अंडर आर्टिकल 192 एंड उसका डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है मेरी गले में, ठीक है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ट्राइंग टू शूट अ लॉन्ग वीडियो। ठीक है, सो अगर ये वीडियो एब्रप्टली पॉज होती है, एब्रप्टली तो नहीं होगी इतना तो बोल लूँगा मैं, बट हाँ ये जो वीडियो जो मैंने सोची थी कि 3-4 घंटे की होगी पार्ट 1, वो नहीं हो पाएगी इज़ वॉट आई फील, बट जितनी भी होगी आई ट्राई टू कम्प्लीट। ठीक है, द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इज ऑल्सो गिवन द पावर टू फ्रेम रूल्स इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एज वेल एज अपॉइंटिंग द मेंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, तो उसमें भी हाथ होता है कि इसका गवर्नर को अपॉइंट है जुडिशरी। ठीक है, तो ये है जुडिशरी, जुडिशियल पावर द गवर्नर। स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 यहाँ पे हैं,
गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात है गुजरात हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ एंड सौराष्ट्र. विदर्भ इज द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र इज द रीजन ऑफ गुजरात. वहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी है तो उसके लिए स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है. गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. गवर्नर ऑफ मणिपुर हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमेटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइजिंग मेंबर फ्रॉम द हिल एरिया. ठीक है. गवर्नर ऑफ सिक्किम है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट पीपल ऑफ द स्टेट. ठीक है. नाउ कैन नॉट डिसमिस द सीएम एंड द गवर्नर सीएम एंड द गवर्नमेंट सब्जेक्टिवली एज डन बाय द गवर्नर्स इन यूपी टू कल्याण सिंह गवर्नमेंट इन 1998. कल्याण सिंह की गवर्नमेंट गिरा दी थी गवर्नर ने खुद ही, बट ये ऐसा नहीं कर सकते. एंड इन 1967 द वेस्ट बंगाल टू द अजोय मुखर्जी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द स्टैंड इन एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ओनली अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. जो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे पास किया जाएगा उसके ही हिसाब से गवर्नर के पास वो पावर है. ठीक है. प्राइवेट ओपिनियन ऑफ द गवर्नर हैज नो पावर इन सच केस. ठीक है. समझ में आ गया भाई इतना. नाउ आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस. प्रेजिडेंट और गवर्नर तो कम्प्लीट हो गया. नाम के लिए प्रेजिडेंट गवर्नर कम्प्लीट हुआ है. हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली. फॉर एग्जाम्पल हमने कर लिया नेशनल इमरजेंसी वाली चीज़ें कर ली, सेंटर स्टेट रिलेशन कर ली, जो अलग अलग चैप्टर है लक्ष्मीकांत. सो वी हैव कवर सो मच इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर. एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बाद आई थिंक इसमें यूनियन भी आएगा अभी. लेट मी चेक. ठीक है. यूटीज आएंगे. यूटी के बाद यस पार्लियामेंट आएगा, फिर जुडिशरी आ जाएगी इंडिया में. ठीक है. बट आई थिंक पार्लियामेंट और नीचे आएगा जिसमें कि हम सेशंस वगैरह पढ़ेंगे पार्लियामेंट के. ठीक है. तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हम एक काम करते हैं, जरा पॉज लगा देते हैं. ठीक है. ज़रा सा पॉज लगा देते हैं. मेरा गला थोड़ा सा ना दिक्कत दे रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी लगातार वीडियो आती रहें टू यू नो फॉर द अनइंटरप्टेड वे ऑफ लर्निंग. ठीक है. सो प्लीज़ थंबनेल पे जाके गुस्सा मत करना. ठीक है. गाली मत बकना मेरे को प्लीज़. ठीक है. बट हाँ सपोर्ट करना यार जितना हो सकेगा मैं करूँगा, भले ही मुझे कितना भी करना पड़े, हर रोज़ वीडियो बनानी पड़े, बट आई विल मेक श्योर कि ये हो. ठीक है. जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो. बहुत सारी हम बात करें तो पढ़ाई बाकी अभी. ठीक है. ओके. सो वी विल अगेन कम बैक विद द डिस्कशन टुमारो. ठीक है. टुमारो आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत सारी चीज़ें और कवर कराऊँ. 2-3 घंटे की वीडियो एटलीस्ट बनाऊँ, और अगर होगा तो मैं अभी दोबारा आगे रिकॉर्ड करूँगा इफ़ पॉसिबल. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय. एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.